हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वेरी स्वीट एंड वेरी डिलीशियस घेवर। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ घेवर, जिसके लिए हमारे को चाहिए 4 बड़े चम्मच देसी घी और 6 से 7 क्यूब्स आइस की। ये हमें इसे चिल्ड करना है और अपने हाथों से इसे बनाएंगे। आप इसे मिक्सी में भी बना सकते हैं, लेकिन हाथों का घेवर बहुत टेस्टी लगता है। आप हाथ से ही ऐसे बना के खाएं, आपको फ़र्क खुद पता चलेगा मिक्सी का और इसका। इसे आप 5 मिनट लगेंगे आपको, या आपको अच्छे से फट जाएगा बिल्कुल मलाई के जैसा, क्रीम के जैसा। तो जो ये एक्स्ट्रा हमारी बर्फ़ है या पानी है, वो भी हम इसको निकाल देंगे फैट के अच्छे से। अच्छे से चिल्ड कर लेना है इसको। अभी जो एक्स्ट्रा बर्फ़ है हमारी, ये हम निकाल देंगे। अगर कोई पानी हो तो वो भी निकाल दें। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा है, इसको हम 2 बार में करके डालेंगे। 1 बार में पूरा मैदा नहीं डालेंगे, ताकि हमारे बैटर में गुठलियाँ ना बने। इसको अच्छे से हम आधे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आधा मिक्स हो जाएगा, तब हम दूसरा पूरा बैटर डालेंगे। घेवर घर में बनाना बहुत इजी है, आप घर में बना सकते हैं। मैं भी घर में बनाती हूँ। मैं मार्केट से सिर्फ 1 ही बार लाई थी, दोबारा मैं कभी नहीं लाई। देखिए कि ये कितना गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी मिलाया है। हमें 1 कप मैदा को घोलने के लिए हमें 4 कप पानी लगा है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, गुठलियाँ जिसकी तोड़ लेंगे। मेरे पास ना एक्चुअली मिक्सर मेरा था ना, वो ख़राब हो गया था। अगर आपके पास हो तो आप उससे मैश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने तो वैसे हाथों से अच्छे से घोल लिया था। अच्छे से इसकी गुठलियाँ तोड़ लेंगे, पानी अपने हिसाब से डाल लें। बट मैंने इसमें इतने बटर में 4 कप पानी डाला है, और 4 कप पानी सफिशेंट है, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ना ये बैटर ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना पतला। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन। इस बेसन को भी अच्छे से घोल लेंगे। ये हलवाई जैसा टेक्सचर आएगा और टेस्ट आएगा इसमें बेसन से। ये सारी गुठलियाँ हम तोड़ लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी मिलाऊंगी। दूसरी तरफ हमने देसी घी रख दिया है एक पतीले में। पतीला हमने बड़े साइज़ का लेना है थोड़ा, और आधा घी से भर देना है। इसको हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। अच्छा सा उबाल आ जाना चाहिए इसमें, बहुत गर्म होना चाहिए घी। और अब हम अपने बैटर को, अब इस बैटर में हमने 1 नींबू का रस डालना है। नींबू का रस डालने से हमारे जो घेवर है, इसमें जाली बहुत शानदार आती है, बहुत अच्छी जाली आती है। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और एक बॉटल में भर लेंगे। ये हमारे यहाँ पे घी गर्म हो चुका है। आप इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, रिफाइंड में भी बना सकते हैं, बट सरसों के तेल में मत बनाइएगा, अच्छा नहीं बनता है। मैं देसी घी में भी बनाती हूँ। अभी बॉटल से मैं बिल्कुल बीच में प्रॉपर आपने डालना है, पतीले के बीच में डालना है। अपने आप ही जाली बनती जाएगी धीरे धीरे। साइडों में आपने बिल्कुल नहीं डालना है। शुरू में आपको थोड़ा डर लगेगा, लेकिन आराम से करिएगा बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि घी बिल्कुल गर्म है। और ये जब भी हम बैटर डालें, हमारा जो गैस का वो है, गैस हमारी बिल्कुल फुल होनी चाहिए। स्लो गैस बिल्कुल ना करें। अगर आप स्लो गैस कर देंगे तो आपका घेवर बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। इसकी यही एक ट्रिक है, घी बिल्कुल गर्म और गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई होना चाहिए। देखिए बीच में आपने डालना है, कहीं साइडों में नहीं डालना। ये जो होल अगर आप ये बंद हो जाए, तो आप किसी भी मतलब नाइफ से या वुडन का जो चम्मच होता है, आप उससे भी हटा सकते हैं। ये जो जालियाँ हैं, देखिए मैं हटा रही हूँ सारी जाली, साइड में इकट्ठी करते जाएं। आप इसे अपने हिसाब से मोटा पतला बना सकते हैं।
बट ये थोड़ा मोटा बनेगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसको उठाने में दिक्कत नहीं होती है। ये जब बन जाएगा तो इसको हमने साइडों से छुड़ा के घी में पूरा प्रॉपर डिप कर देना है ताकि अच्छे से पक जाए। कच्चा अपने घेवर नहीं निकालना है, क्योंकि अगर हम कच्चा घेवर निकाल देंगे तो वो टूट जाएगा। हमारी कुछ कमियां होती हैं तभी चीज़ सही नहीं बनती। अगर हम कमियों को, अगर हम टिप्स को समझ लेंगे कहाँ हमारी कमी पड़ रही है, तो हम हर चीज़ घर में बना सकते हैं, क्योंकि हलवाई भी इंसान होते हैं। बस प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा बटर डालें, उसे जो झाग बनेगी उसे बैठने दें, फिर थोड़ा सा बटर डालें, फिर झाग बनेगी उसे बैठने दें। ऐसे ही आपका घेवर जालीदार बनता जाएगा। बहुत ही अच्छा घेवर बनता है घर में, बाजार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रक्षाबंधन में तीज पे बनता है, तो मैं हमेशा घर पे बनाती हूँ। तो देखिए कितना प्रॉपर घेवर, कितना मोटा बनाइए। अब मैं इसको निकाल लूँगी। एक मैंने थाली के ऊपर जाली रख रखी है, उसके ऊपर निकाल लूँगी, जो भी एक्स्ट्रा घी होगा वह निकल जाएगा। अब मैं ऐसे अपने और जो घेवर है वो भी तैयार कर लूँगी ऐसे। और इतने बैटर में मैंने 3 घेवर तैयार किए थे, ये मेरा दूसरा घेवर भी तैयार हो गया है। और साइड से जो पहले घेवर की थोड़ी सी पपड़ी लगी होती है ना, उसको भी आप साइड से साफ़ कर लेंगे और उतार देंगे इसे। और पतीला आपने हमेशा एक ही लेवल का लेना है, मतलब सीधा होना चाहिए। जैसे नीचे से बाटी स्टाइल होता है या ऊपर से थोड़ा मटका स्टाइल होता है, वो वाला नहीं लेना आपने, बिल्कुल स्ट्रेट लेना, ताकि आपको घेवर को उठाने में दिक्कत ना हो। अब हम चाशनी बनाने के लिए, ये 1 कप हमने चीनी ली है, 1/2 कप पानी, और इसमें मैंने 1/2 कप हमारा दूध है और 1/2 कप ही हमारा पानी है, इसको हमने डाल दिया है इसमें। इससे क्या होगा, हमारी जो चीनी है ना गंदगी होती है वो साफ़ हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, उबलने के बाद ये जो गंदगी निकली है चीनी की, इसको हम छान लेंगे और हमारी जो चाशनी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। घेवर पर लगाने के लिए तैयार है। आप चाहें तो इसमें इलायची के दाने भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैं घेवर पे ये अपनी चाशनी लगा के दिखा रही हूँ। ये पहले घेवर पे, आप नीचे के घेवर पे कम लगाइएगा चाशनी, क्योंकि ऊपर के जो घेवर होंगे वो चाशनी छोड़ेंगे और वो नीचे वाले घेवर पे ही आके रुकेगी, तो इसलिए इस पर कम लगाइएगा। ऐसे ही मैं अपने सब घेवर पे चाशनी लगा लेती हूँ वन बाय वन करके। अब इसकी भी चाशनी होगी ना, ये नीचे ही जाएगी। ये भी मैं इस पर भी लगा लेती हूँ चाशनी। ये मैंने रबड़ी बनाई थी, इसकी भी मैंने जो वीडियो है अपने इस पर डाल दी चैनल पे, आप वहाँ देख सकते हैं। अब इसको हम अपने घेवर पे अप्लाई करेंगे। ठंडी ठंडी रबड़ी है, और इस घेवर को भी थोड़ा ठंडा होने से गरम गरम पे ना लगाएं, नहीं तो हमारा घेवर टूट सकता है। इसको हम अच्छे से इस पर लगा लेंगे। देखिए फैला दिए हैं। अब जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप इस पर डाल सकते हैं। मैंने तो इस पर पिस्ता और बादाम डाला है, बाकी आपको जो पसंद हो वो भी डाल के खा सकते हैं। और इसको हल्का सा प्रेस कर दें ताकि जो ड्राई फ्रूट हमारे वो गिरे नहीं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है बनके ये हमारा घेवर घर में ही। टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है इसका। अभी मैं आपको दूसरा भी तैयार करके दिखाती हूँ। ये सिंपल घेवर तैयार करूँ, जैसे कई लोग सिंपल पसंद करते हैं विदाउट रबड़ी, जो लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो वैसे घेवर भी बना सकते हैं। बट आपने ये करना है कि चाशनी आपने इसके ऊपर डालनी है, ड्राई फ्रूट के ऊपर, बस इतना काम करना है। चाशनी हमने पहले नहीं डालनी है ताकि हमारे जो ड्राई फ्रूट है वो चिपक जाए। ये देखिए, प्लेन वाला भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लगता है खाने में। अब आप बताएं आपको दोनों में से कौन सा मेरा घेवर ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। खाने में तो आपको घर आके खाना पड़ेगा। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।